अब देखो इस वीडियो के अंदर मेरे को भसड़ को जितना दबाओ उतना तुम भोसड़ी वाले कहलाओ, नहीं उतना तुम अच्छे कहलाओ। हिट का यूज क्यों बोलना पड़ा, पहले तो हिट उठा लेते हैं। कहाँ है मेरा हिट? आई डोंट नो वेयर इज माई हिट। यस आई गॉट इट। मैं किसी की भी सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहता, और कोई ऑमलेट वगैरह खाता हो या नहीं खाता हो, या बल्ले बल्ले शाहवा शाहवा मैंने फाइनली पलट दिया। लेकिन थोड़ा सा कैमरे को जो वो चकला बेलन, उसका जो चकला होता है उस पर सेट किया हुआ है। अब देखो रोज लंबा लंबा घूमने नहीं जा सकता, रोज घर पे नहीं जा सकता, रोज कुछ और अलग नहीं कर सकते, तो फिर अब मैंने क्या सोचा है, देखो व्लॉगिंग क्या होती है, बेसिकली ये अपना चैनल जो है वो एक लाइफ के बारे में ही है। लाइफ उसमें मेरी है, और मेरी क्या, मैं एक्सप्लोर भी करता रहता हूँ। कोई दोस्त है उसके बारे में बताना, कोई ऐसा मैं चीज़ देख रहा हूँ जिसके बारे में मैं मैसेज दे सकूँ, वो क्रिएट करना, तो अपना इस चैनल पे यही चलता रहता है। तो अपना व्लॉगिंग कंटेंट बेस रहता है ये चैनल। तो व्लॉगिंग क्या है, व्लॉगिंग मीन्स अपने जो सराउंडिंग हो रहा है या जो अपने साथ में हो रहा है उसको आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हो, उसको स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, और उसके कंटेंट में ही तुम उसको लेके चल रहे हो। भी लाइफ रहती है अपना 8.5 घंटे का, तो कंपनी का शेड्यूल रहता है, जॉब रहता है, अपनी ऑफिस में फोन अलाउड नहीं है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कंटेंट वो तरीके से लेके आऊँ कि मैं जो अपना डेली काम कर रहा हूँ ऑफिस से आने के बाद में, या ऑफिस से सुबह उठने के टाइम पे, या फिर और क्या चल रहा है मेरी लाइफ में ऑफिस के चीज से अलग, मैं उसको शूट करता रहूं। हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो, दिस इज शुभम गगड़, यू आर वाचिंग लाइफ इन शॉर्ट। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, और अगर आप अच्छे नहीं है तो आप अच्छे हो जाओगे क्योंकि आप जुड़ चुके हो मेरे साथ। ये कोई किचड़ी स्पेशल चैनल नहीं है, लेकिन आज हमने क्या बनाना है, हमने बनाना था, चल के बताता हूँ। टाइम हो रहा है जी 5:45, ऑफिस की हो गई छुट्टी, हमें इस टाइम किचन में क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है कि कुछ पकाने के लिए आए हैं। तो आज बनाने वाला हूँ जी मैं ऑमलेट, एग ऑमलेट। अब इस पे बात नहीं करते हैं कि मैं अंडा खाता हूँ, क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, मैं तो अंडे का क्या ही बताऊँ। अंडे के ऊपर बहुत सारी थ्योरी है, कंसेप्शंस हैं कि जो अंडा खाने वाले नॉन वेज होते हैं नहीं होते हैं। मैं वैसे चिकन वगैरह, मुर्गा मांस मछली मीट ये कुछ नहीं खाता हूँ, बस अब अंडे का है, अंडे का मेरे को क्राइटेरिया नहीं पता, तो मेरे को डिफाइन भी नहीं करना है उसको। वो करने के लिए क्या करते हैं, गोल गोल उसके लिए बड़ा बर्तन चाहिए, क्योंकि मैं ऑमलेट बना रहा हूँ 4 अंडों की, 2 की एक बार बना दूंगा, 2 की एक बार बना दूंगा। पहले तो चॉप करते हैं प्याज, प्याज भी चॉप की मैंने, तो प्याज काटने से मेरे को पहले आंसू नहीं आते थे कभी, अब देखो नदियां बह गई। टाइम टाइम की बात है, पहले क्या था 4 साल में भाई जी तारी तारी पे जिए हैं, या फिर ऐसा कुछ कर लेते थे तो काटते रहते थे, तो भी इतना एक्सपर्ट थे, लेकिन अब इतने आंसू आ गए अपने। हमने कर लिए 2 प्याज चॉप। देखो ऑमलेट में क्या मजे देता है, ऑमलेट में ज्यादा मजे देता है प्याज। उसके बाद में तुम भले ही उसमें थोड़ा कम इंग्रेडिएंट्स डाल लो, मसाले वसाले कम हो जाए, लेकिन उसमें कुछ इश्यू नहीं करता। लेकिन प्याज अगर तुम्हारे पास नहीं है ना, तो तुम ऑमलेट का जो प्लान है ना कैंसिल कर सकते हो। अब काटते हैं कुछ स्वाद अनुसार मिर्च, तो मेरे स्वाद के अनुसार अपने पास है कितनी है गिनती कर लो, और गिनती हो जाए तो बता देना मेरे को कमेंट में कितनी थी। उसके बाद में मेरे दिमाग ने काम किया है कि इसमें थोड़ा सा हम डालते हैं अदरक भी, तो चलो इसको भी चॉप कर लेते हैं। मेरे पास ना 6-7 दिन की कटी हुई ये मिर्च थी बारीक बारीक, अब देखो बारीक बारीक काटी थी मैंने, इनका हाल ये हो गया काला काला सा। मेरी बनिया बुद्धि पता क्या बोल रही थी, मेरी बनिया बुद्धि बोल रही थी इसको ले लो, पर मैंने सोचा कि यार ऑमलेट का क्या पता पूरी का नाश मिल जाए, तो इसलिए हम इसको फेंक देते हैं। तो जी अपनी प्याज विद अदरक और जो हरी मिर्च है वो तैयार हो गई है। अब जो मेन काम है अंडों को कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं उनको। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, बड़ा बर्तन, ये सबसे बड़ा टास्क एक अनाड़ी आदमी को अंडे तोड़ने का। अब देखते हैं कि कैसे टूटते हैं इसके। देखो इस पार्ट पे मारा जाता है, इस पार्ट पे मारो ना तो वैसे टूट जाता है ये, लेकिन जो मैंने शॉपकीपर वगैरह देखे हैं वो इस पार्ट पे मारते हैं।
यो यस डन। देखो कितनी इजीली कर लिया और कितना क्लीन किया। और ये अपना दूसरा, और ये हुआ दूसरे अंडे का सक्सेसफुली तबाही। हो जा भाई, नहीं गिनने नहीं। ये इसमें भी हमने सफलता हासिल कर ली है। अब ये हुआ हमारा तीसरा। ओह बेसिकली गाइस यही आज मेरी रात का डिनर होने वाला है। हाँ हाँ मुझे पता है डिनर रात को ही होता है, सिखाओ मत। और ये अपना चौथा। जो तुम्हारा इंग्रेडिएंट्स है ये, और जो भी तुमने काटा हुआ है वो उसमें इसको डालना है ऐसे। यार बारीक बारीक काटना तो जो थोड़ा और अच्छा हो जाता है। तो उसको डालने से पहले ना आधा उसको चला लो, लिटरली मैं वीडियो के चक्कर में ना हल्दी डालने वाला था ऑमलेट में। हाउ शिक आई एम। मैंने डाल दी है इसमें थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा डालते हैं गरम मसाला। इतना गरम मसाला डालो चल जाएगा। मैं वीडियो के चक्कर में कुछ भूल ना जाऊं यार, बस अब कुछ नहीं लेते तो जल्दी से इसको कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाले जो बंदे हैं ना, अब मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली कि वो खाते हैं नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी मतलब एज ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन तुम लोगों को ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्या करना चाहिए किस तरीके से नहीं करना चाहिए, तो दूसरों के सेंटीमेंट्स को हर्ट ना करें। या थोड़ा सा एडजस्ट करना, अपनी गैस गंदी है। वैसे तो मैं साफ रखता हूँ बट क्या करूँ यार, थक जाता हूँ थोड़ा सा। गैस वो चालू, ओके। लाइट भी भाग गई है यार, कल मुंह ही क्या ही करें यार। ये सच में यार इतने लड़के लोग गंदा नहीं रखते होंगे यार, मैंने तो ज्यादा ही गंदा हो रखा है। ये लाइट में फ्लैश लाइट में एक्चुअल दिख रहा है। बाप रे यार तुम सच में मेरे को क्या जज करोगे, कैसा लड़का है कितना गंदा है। थोड़ी सी गैस को बढ़ा लिया जाए, अब सही है। चकला भी देखो कितना गंदा हो रहा है यार। नहीं यार इतने बुरे थोड़ा ना रहते होंगे लड़के। मेरे को बताना गाइज कि लड़के लोग हॉस्टल वगैरह में इतने गंदे रहते हैं क्या यार। गाइज ये देखो अपना तेल वेल सब कुछ तैयार था, मैं इस वाले सीन में बना रहा हूँ यार। पता है लाइट भी भाग गई, ऊपर से बैटरी भी लो गई फ़ोन की। तो 15% पे क्या होता है सैमसंग में, ये है कि फ्लैश बनना जलना बंद हो जाता है, तो इसलिए अब हम इसका वीडियो कर रहे हैं ऑफ। जब लाइट आएगी तब दोबारा से चलाएंगे। आ गई लाइट। अब देखो इस वीडियो के अंदर मेरे को हिट क्यों बोलना पड़ा। पहले तो हिट उठा लेते हैं। कहाँ है मेरा हिट? Where is my hit? Yes, I got it. तो देखो क्या है बेसिकली, मैं किसी की भी सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहता, और कोई ऑमलेट वगैरह खाता हो या नहीं खाता हो मेरे को उससे कुछ मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक जाती है तो मैं मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं साइड में जैसे कुछ करते हैं या फिर कुछ बनाते हैं ऑमलेट वगैरह, तो साइड में धूप बत्ती जला लेते हैं। तो लेकिन यार वो अपने सेंटिमेंट का हर्ट है, वो एक हिंदू रिलीजियस चीज का एक हाइडिंग सिस्टम होगा कि मैं नहीं मैं करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं हिट का यूज करूंगा उसकी बदबू भगाने के लिए। उस अपनी हो रही है ऑमलेट तैयार। ऑमलेट बनाते हुए ना सबसे बड़ा मेन टास्क क्या होता है, जो ये है ना इसको पलटना, ये सबसे बड़ा मेन टास्क होता है। वो हम किस तरीके से उसको कैसे निभाते हैं वो अब हम देखते हैं। उसके लिए मेरे को अपना जो मोबाइल है वो साइड में रखना पड़ेगा, और तो मैं दिखाऊंगा ये कैसे करते हैं। अभी खुशबू तो आ रही है हल्की हल्की, ये खुशबू बड़ी खतरनाक है। इसी को दूर भगाने के लिए मैंने हिट का यूज करना है। बल्ले बल्ले शाबाश, मैंने फाइनली पलट दिया, लेकिन थोड़ा सा जल ज्यादा गया, लेकिन फाइनली आई हैव डन इट। यही सबसे बड़ा मेन टास्क होता है। क्या है, तुम ऑमलेट बना लो फिर उसके बाद में उसको पलटना, वो बड़ा खतरनाक वाला टास्क होता है, लेकिन मैंने ये कर लिया है। ओह शिट मैन, आराम से। वैसे ही लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम ऑमलेट बना रहे हैं। मैं बोल रहा था ना ब्लॉगिंग के चक्कर में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा,
गाइस मैं नमक डालना भूल गया इसमें पूरा, मतलब एक चुटकी नमक नहीं डाला। अब इसके ऊपर से डालता हूँ थोड़ा सा, हमने दूसरी वाली डाल दी है, दूसरी वाली ऑमलेट उसमें कम थी पहले वाले से। दूसरी वाली है ऑमलेट को भी सही से पलटते हुए, ये बल्ले बल्ले, ज्यादा शोर नहीं मचाना है शुभम। तो अपनी दोनों ऑमलेट इसमें फिक्स हो गई है। क्या है मेन टास्क, ये है कि ऊपर वालों को या फिर मोहल्ले वालों को ज्यादा पता ना चले, उसके लिए मैं कर रहा हूँ हिट का स्प्रे। मैं ये नहीं चाहता कि यार दिक्कत परेशानी कुछ भी हो लाइफ में, ना जितना तुम झगड़ों की चीजों से बचो ना उतना अच्छा है। सो द मैसेज फ्रॉम लाइफ इन शॉर्ट, के जो भसड़ है वो तुम अपने हाथ में ना लो, भसड़ को जितना दबाओ उतना तुम पॉजिटिव वाले कहलाओ, नहीं उतना तुम अच्छे कहलाओ। तो लास्ट में स्प्रे कर देते हैं हिट का। मेन तो ये एरिया हो गया, बर्तनों में भी हो गया, मेन ये एरिया हो गया, जान ये हो गया, ये हो गया, सर भी कर दो, यहाँ पे भी कर दो। स्प्रेइंग भी डन, आई होप कि बदबू ना आए, वैसे तो आ नहीं रही है, इससे बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाता है। सो यही है वीडियो, यही थी वीडियो आज की। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना। दिसंबर तक 500 का एम है यार, करा दो, तुम्हारी मर्जी। शेयर करो दोस्तों के साथ अगर कुछ अच्छा लगे, हॉस्टल वालों के साथ तुम शेयर कर सकते हो कि तुम देखो। अब मेरे 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 मन में क्या है ना, मेरे मन में ये भी एक मैसेज आया कि तुम लोगों को मैसेज दूं। जैसे बहुत से लोग ना, मुझे पता है हॉस्टल में बहुत बार बंदे क्या करते हैं, बंदे धूप बत्ती जला लेते हैं जब, जैसे कोई या तो फिर चिकन खाते हैं, फिर ऑमलेट बनाते हैं, फिर ऐसा कुछ करते हैं तो धूप बत्ती जला लेते हैं। वो नहीं करना चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हारे पास हिट ना हो ना, तो देखो मोर्टिन या फिर वो चीज़ तो तुम्हारे पास होती है, मोर्टिन जो लाइट में लगाने वाली है होती है, वो तुम लगा सकते हो। उससे क्या है, बदबू जरूर जाएगी, स्पेसिफिकली जाएगी, लेकिन यार अपना क्या है ना, धूप बत्ती अगर तुम लगाते हो और बराबर में ऐसी चीज़ करते रहते हो तो वो अपने धर्म का अपमान है एक तरीके से ना। तो उसका ध्यान रखो, लाइक कर देना वीडियो को यार, मेरे को स्ट्रेंथ मिलती है अभी अभी नया नया। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय, ध्यान रखो अपना और अच्छे रहो।